ये दो खोखा है। सूर्या कैसा है? जी मैं ठीक हूँ। ये ले और निकल, आओ बैठो। नहीं कोई बात नहीं। ए, हाँ। अरे सूर्या आया है, हाँ। जाओ कुछ खाने पीने के लिए, हाँ, लाओ, हाँ। जल्दी लाओ। चलिए ना, ठीक है। पाटिल जी मेरे पापा, उन्हें क्या हुआ? अचानक छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ पाटिल जी, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं सूद भी चुका दूंगा आपका। ये देखो हमारे पास कैसे कैसे काम आते हैं। तुम सूद मत दो, बस ये काम कर दो। करना क्या होगा? इसे जेल में ही मारना है और 15 लाख तुम्हारी जेब में। 4 लोग और इसकी सुपारी ले चुके हैं। जो पहले मारेगा रोकड़ा उसका, लेकिन बहुत सोच समझ के ये काम करना। इस काम से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। ये काम मैं जरूर करूंगा। कब जाना है जेल? आराम से आराम से। जेल जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे सारा इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक चल रहा है? मैं तो सेवक हूँ, मेरा एक बच्चा वहाँ जा रहा है, जरा उसके जेल जाने का इंतजाम कर दीजिए। सूर्या तू जा। थोड़े पैसे मुझे अभी चाहिए। तू जा, वो मैं देख लूंगा। काम खत्म होते ही तू मुझे फोन कर। साइड हटिए राजीव जी। खुद को समझता गया है, जेल में हुड़दंग मचाएगा तू? कौन सी गैंग में काम करता है? ये किसी गैंग में नहीं, मेरा बेटा है सूर्या। ठीक है चलो यहां से। सूर्या हाथ मत लगाइए। देखो मैं तेरी नाराजगी की वजह अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वो औरत जो तेरी मां है, क्या तू उससे भी मिलना नहीं चाहता? अब उस प्यार का कोई मतलब नहीं। आप तो मेरे दुश्मन हैं,
ये प्यार जताकर अपना कैरेक्टर मत बदलिए, इससे कहीं आपकी इज्जत ना कम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, इसीलिए सख्ती की। तो क्या गलत था? गलत? आपने बिना मेरी बात सुने मुझे मारा था, वो गलत था। आपने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया मरने के लिए, क्या वो सही था? अपने बेटे को छोड़कर मैंने किशन को अपनाया था तो उसकी वजह थी कि तुम जिंदगी में सबक सीख सको। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तूने मुझे बचाया क्यों? क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूं। अरे हाँ, यहां किस जुर्म में आए हो तुम? आराम करने आया हूं। ये कोई रिजॉर्ट है क्या जो आराम करेगा? आप यहां पर क्यों आए हो? यूं कह लो समाज सेवा। अरे ओ मवाले, बंदे कहीं गए? तुम्हारा काला पैसा नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, मुंह काला करो। आप जाइए यहां से, चले जाइए प्लीज। भगाओ इन्हें। अंकल आप शांत हो जाइए, आप लोग जाइए प्लीज, जाइए, चले जाइए अंकल। बेटी तुम मुझे किसी भी तरह जेल ले चलो। राजीव पर किसी ने जेल में जानलेवा हमला किया है, कौन होगा वो? किशन कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। और कौन? वो मैं हूं। अरे ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, अगर कल हमने कुछ किया तो ये हमारी भी सुपारी दे देगा। सुन ए बाबू, मेरा ताऊ बचना नहीं चाहिए, समझा? अरे मेरे बाप, पहले तो ये सुपारी कैंसिल कर, अपने लोगों को फोन कर और इसे कैंसिल कर। एजी यहाँ का खाना ठीक तो है ना? मैंने आज तक तेरे हाथ के बनाए खाने के अलावा कुछ खाया नहीं था जिसमें स्वाद ही नहीं था। यहाँ का खाना सुपर है। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। बस दो दिन भैया बेल हो जाएगी। ऐसे में वो ताकत है जो बेल भी करा देगी। जैसे मैं जेल में आया हूँ उसी तरह से बाहर भी निकल आऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो आपको इस तरह इस जेल में कभी नहीं रहने देता। अरे बीता हुआ समय क्यों याद करती हो? तुम क्या चाहती हो, किसी का खून करके अंदर जाऊं क्या? भैया को देखो जरा, इतने तो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तुम भी ना। भैया मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। सुनिए, अगर हमारा सूर्य आज हमारे साथ होता तो वो भी उसके जैसा दिखता ना? वो उसकी तरह ही नहीं, वो हमारा सूर्या बेटा ही है। सूर्या? ए सूर्या इधर आना। भैया मजाक तो नहीं कर रहे, क्या वो सच में हमारा सूर्या है? ए, जो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए वो और कौन हो सकता है, वही है सूर्या। सूर्या कितना बड़ा हो गया, सूर्या इतने साल तू कहाँ रहा मेरे बच्चे, हाँ तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? हाँ सूर्या, मत रो माँ। और हाँ नंदू चाचा, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे? भैया ए भैया, राजीव जी की बेल नहीं होगी क्या? नहीं, कोर्ट को डर है कि सबूतों को पैसे के बल पर मिटा देंगे, दो दिन में बेल हो जाएगी। भैया इससे पूछो ना, ये अंदर कैसे आया? बचपन से ये नहीं बदला, जो जिस नेचर का होता है वो वैसा ही रहता है, इसके बारे में क्या पूछना, छोड़ो इसकी बातें। चुप रहो भैया, तू कैसे जेल में आया? पापा इधर आइए। पापा ये मेरी माँ है और ये है नंदू चाचा, मेरी माँ के पति हैं। ए, ज्यादा होशियारी मत दिखा, ठीक से बोल। अगर ये तेरी माँ है तो मेरी वजह से तू है इस दुनिया में। बाप को बाप बुलाकर समझे, शर्म नहीं आती तुझे? आपने इतने सालों तक इसका इतने अच्छे से ख्याल रखा, आप भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बड़े हैं, ऐसा मत बोलिए, ये तो आपका बच्चा है। भैया एक बात बताइए, हमारा सूर्य जेल में क्यों है? भैया ये सब मेरी वजह से। संभालो, मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाइए। आप चिंता मत करिए, आइए आइए, चलिए चलिए संभाल के चलिए। सुनिए मैं अभी आती हूँ। सूर्या अपने पिता का ख्याल रखना बेटा। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता
वो मेरा ख्याल क्या करेगा? यहाँ सब बराबर है, यहाँ सबको चावल, सबको रोटी, सबको दाल एक बराबर मिलता है। चलती हूँ। तू इसकी बिल्कुल चिंता मत कर, हमारा नंदू है ना, सबको संभाल लेगा। अच्छा ये बता, इसे आखिर हुआ क्या है? ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? मैंने सिर्फ बीमारी के बारे में पूछा है, अगर ये बेचारा गरीब ना होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाता। वो गरीब जरूर है पर मेरे भगवान है। तो मैं दाना हूँ क्या? ए, तुझे अपने बाप से इतना प्यार है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर, ज्यादा गर्मी मत दिखा। मैंने तो इसकी बीमारी के बारे में ही तो पूछा था। टाइम हो गया है। इतने सालों बाद तो ये मिला है, अभी तो इसका हालचाल भी नहीं पूछा तो तूने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। रुकना, एक चीज बता, इसका गुजारा कहाँ से चलता है? वो भूखों को खाना खिलाता है। और मैं क्या भूखे नंगों को नहीं पालता? वो बहुत ही सिंपल आदमी है, आपकी तरह समाज सेवक नहीं है, जो नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ दे दे और जेल भी चला जाए और खुश रहे। हम लोग हवेली वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ देना जानते हैं और फिर वापस लेने की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। सही कहा, वही आपकी खुशी है तो खुश रहिए। एक हफ्ते के भीतर मैं आप लोगों के पेपर ले आऊंगा, चाहे पुलिस वाले हो, बैंक वाले हो, मैं बात करूंगा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मुखिया जी, जब हमें राजीव जैसे ने धोखा दे दिया तो हम किसी अनजान पर भरोसा कैसे करें? अरे नहीं बहन, ये कह रहा है कि बैंक में हमारे पैसे जमा करके हमारे जमीन के पेपर्स वापस लाएगा, तो भरोसा क्यों ना? केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! ए केवल बाबू, तुम हम सब किसानों के पेपर्स वापस ला के दिखाओगे? ऑफ कोर्स, 100% लेकर आऊंगा। केवल बाबू की जय! केवल बाबू, ये जयकार सुनाई दे रहा है। बाबू की जय! केवल बाबू की जय! केवल बाबू की। खुश तो बहुत होंगे। इसको देखने के लिए मेरा दुश्मन मेरे सामने होना चाहिए। अगर वो जेल में रहा तो क्या मजा आएगा। बुलाओ राजीव को, यहाँ बुलाओ। कानून को तुम क्या समझते हो कि जब चाह जेल गए और जब चाह बाहर आ गए? ट्राई करता हूँ। सूर्या, मेरी तो बेल हो गई, मैं जा रहा। तुम्हारे केस में अगर तुम चाहो बेल करवा सकता हूं। आप अपनी चिंता कीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से जेल में आया था और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। मिलते हैं भाई। सुनिए राजीव जी, जरा होशियार रहना।